संभावनाओं को संभव बनाने की कला सिर्फ मनुष्य में ही होती है। हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सब कैसे हो? सब बढ़िया ही होंगे, चकाचक होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, चकाचक हूँ। तो चलिए आज अपने दिन की शुरुआत एक अच्छे से सुविचार के साथ करते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं। दोस्तों, मनुष्य का व्यक्तित्व उसका एक ऐसा गुण है जिसके द्वारा हम वह अपने आप को हीरो या फिर ज़ीरो बना सकता है। संभावनाओं को संभव बनाने की कला हम मनुष्यों में ही होती है। अगर मन में ठान लेंगे, मन में दृढ़ संकल्प कर लेंगे तो संभावनाओं को भी संभव बना के दिखा देंगे। कभी कभी हम नाकामयाब हो जाते हैं, कुछ ऐसी बातें हो जाती है जिससे में हम फंसकर रह जाते हैं और समय आगे निकल जाता है, क्योंकि समय ना ही हमारे लिए रुक सकता है और ना ही दुनिया हमारा इंतज़ार कर सकती है, हम वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे में हमें नाकामयाबी में गोता लगाने की ज़रूरत है, गहराई से चिंतन करने की ज़रूरत है। वहीं से हमें एक सीढ़ी दिखाई देगी। जब हम नाकामयाबी में गोता लगाएंगे ना, तो ज़रूर हमें एक सीढ़ी दिखाई देगी जो मंजिल तक वो सीढ़ी पहुंचा देगी, हमें सफलता की ओर ले जाएगी वही सीढ़ी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले उठने के बाद 4 बजे उठे थे और सबसे पहले अपना काम धाम में लग गए और दरवाज़ा बाहर का खोले, पहले यहाँ पानी छींटेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग वास्तु तो मानते ही हो ना? हाँ, आप लोग क्या, सब लोग वास्तु ही मानते हैं। हमारे घर की मुख्य दरवाज़ा जो होता है ना, वो थोड़ी सी सावधानी से बननी चाहिए। थोड़ी सी सावधानी अगर बरतें तो फिर यही दरवाज़ा ना हमें हमारे घर में खुशियों के का द्वार को खोल देती है। खुशियाँ इसी दरवाज़ा से घर के अंदर प्रवेश करती है और यहीं से नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा भी घर के अंदर आती है और जाती है। ये सब बातें पर ध्यान देती हैं घर की महिलाएं ही, घर की महिलाएं ही ये सब बातों पर ध्यान देती हैं। फ्रेंड्स, घर का मुख्य दरवाज़ा अगर वास्तु शास्त्र के हिसाब से बना होता है ना, तो बहुत बढ़िया होता है। इससे हमारे घर में हमेशा खुशियां आती रहती है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सब कैसे हो? सबका बढ़िया चकाचक चल रहा होगा, मेरा भी बढ़िया चकाचक चल रहा है। तो अभी 5 बजे हैं और मेरा सब काम हो गया, लगभग हो ही गया। थोड़ा एक दो काम बाकी है जो कर लेते हैं फटाफट से, उसके बाद स्नान करने के बाद आप लोग से मिलते हैं। तो बस उठे थे 4 बजे, आप लोग को दिखाए ही। तो वैसे नींद खुल ही जाता है, आदत है तो खुल ही जाता है, फिर रुक नहीं सकते हैं। तो फिर चलिए, और आज का मौसम का मिजाज भी थोड़ा सा बदला सा लग रहा है। लग रहा है कि हवा चल रहा है बहुत तेज़ और बादल भी छाया हुआ है आसमान में। लग रहा है शाम तक ज़रूर अंधड़ पानी आएगा। अब देखिए क्या होता है, आता है या नहीं। तो फ्रेंड्स, वास्तु के हिसाब से अगर घर का दरवाज़ा या फिर पूरा घर में अगर वास्तु दोष ना हो, तो घर में रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य भी बढ़िया रहता है, अच्छा रहता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम स्नान कर लिए और स्नान करने के बाद सबसे पहले दरवाजे पे जाएंगे। तो यहाँ तो डेली हम चावल फुलाते थे और उसमें उसको पीस के रंगोली बनाते हैं। कुछ भी अगर डेली नहीं भी बना सकते हैं तो अमावस्या हो गया, पूर्णिमा हो गया, ये 2 दिन ज़रूर बनाना चाहिए रंगोली, और उसमें पीला हल्दी मिला देते हैं। अगर अबीर है या फिर रंग है तो वो तो और भी बढ़िया हो जाता है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, चावल पीस के बनाते हैं। तो खैर, आज चावल फूलने के लिए दिए नहीं थे, भूल गए थे, बस इसी तरह चावल कांटा में मिला दिए। और दरवाजे पे फ्रेंड्स श्री गणेशाय नमः ज़रूर रहना चाहिए, और गणेश जी का मूर्ति तो रहता ही है, रहता है दरवाजे पे, लेकिन मेरा अभी नहीं लगा है, मेरा लगने वाला है, लगेगा कुछ दिनों में, तो आप लोग को दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी स्कूल चल रहा है बच्चों का मॉर्निंग, तो उतना तो फुर्सत है नहीं कि कोई रंगोली बनाएगी, ज़्यादा बड़ा सा फूल बनाएगी। ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा लंबा चौड़ा फूल हो, बस जो आता है जैसे आता है थोड़ा बहुत बना देना चाहिए। तो सबसे ईजी तो मुझे यही लगता है, क्योंकि महिलाओं को सुबह में बहुत काम होता है और सुबह में टाइम निकालना बहुत मुश्किल है सब चीज़ के लिए, सब चीज़ सारे काम को मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और जिनके छोटे बच्चे हैं उनका तो और भी। तो बस फटाफट से ये इजी वाला गोल गोल करके और सबको मिला दिए थे, तो ये रंगोली भी बना ही लिए थे, और हम शाम को ही बर्तन धो के रख देते हैं पूजा के लिए। अब सीधा आ गए थे पूजा घर में अपना पूजा करने। तो रंगोली बनाते हैं या फिर फूल बनाते हैं दरवाजे पे, कुछ से भी बनाते हैं, तो स्नान करने के पहले नहीं बनाते, स्नान करने के बाद ही बनाते हैं, क्योंकि स्नान करने के पहले बनाने का फिर मतलब मन नहीं मानता है, तो स्नान करने के बाद ही बना लेते हैं, उसके बाद फटाफट से यहाँ पूजा कर लेते हैं। तो पूजा करने हम आ गए हैं, तो आप लोग वीडियो में बने रहना। चलिए देखिए कैसे कर लेते हैं पूजा।
और एक फ्रेंड ने पूछा था, बहुत पहले ही पूछा था कि आप क्या रुई का बत्ती यूज नहीं करते, तो रुई का भी करते हैं और कच्चे धागे का भी करते हैं, जैसा मिल जाए जो मिल जाए उसका कर लेते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी का करें या फिर उसी का करें। और यहाँ पे हुमाद जो हम लाए थे ना उसका छोटा छोटा टुकड़ा करके हम रख लिए कटोरी में और इसमें घी डाल दे रहे हैं, तो बस ये बहुत बढ़िया जलता है ऐसे घी डाल देने से। घी तो वैसे सानते ही हैं, वो कोई भी हुमाद रहे तो घी उसमें सानते हैं, घी सान के ही डालते हैं पूजा, मतलब कि हुमाद देते हैं फिर या फिर हवन करते हैं, बिना घी का हुमाद में से हवन नहीं होता है, घी उसमें ज़रूर पड़ता है, तो हम घी उसमें एक ही बार इतना सान के रख देते हैं और इससे डेली डेली होता है, इससे सुविधा होता है। और देखिए हमारा पूजा कंप्लीट हो गया, और पूजा हो जाने के बाद सीधा आ गए थे रसोई में, और रसोई में भी एक धूप, मतलब ये धूप वाला जो अगरबत्ती होता है ना गीला धूप वाला, ये हम जलाते हैं डेली, ये जलाने से अच्छा रहता है, यहाँ भी थोड़ा सा अच्छा खुशबू आने लगता है। वैसे तो धूप घुमाए ही थे पूरा घर में, लेकिन फिर भी यहाँ रसोई भी पूजा रूम से कम नहीं है, रसोई को भी पूजा रूम का ही दर्जा दिया गया है, यहाँ माता अन्नपूर्णा का वास रहता है इसीलिए। तो बस हो गया था, और घर से कोई भी जाते हैं ना सुबह सुबह तो खाली पेट नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है ना कि पहला आहार घर का ही रहता है, अगर घर से खाली पेट चले जाएं सुबह सुबह तो फिर उनका पूरा सारा दिन खराब बीतता है, मतलब कहते हैं ना जतरा ही नहीं बनता, बस वही बात है। तो यहाँ पर निमी का पापा को कुछ खाने का मन नहीं था, क्योंकि वो रात देर से आए थे पार्टी से, तो बस उनको आज कुछ खाने वाने का मन नहीं था, दिए नहीं, बस पतला सत्तू घोर के दे दिए कि सत्तू पी लीजिए, पेट अच्छा रहेगा, ठंडा रहेगा, और अभी तो गर्मी का सीजन है तो सत्तू सबसे ज़्यादा सबसे अच्छा आइडिया है सुबह में पीने का, और वो पतला करके, गाढ़ा नहीं। और यहाँ पे देखिए रात में ना बहुत ज़्यादा गर्मी, अब तो गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, रात में क्या दिन में भी, तो दिन तो जैसे तैसे कट जाता है लेकिन रात काटना बहुत मुश्किल है, इसीलिए अब इसका इंतज़ाम कर दिए बाहर, बाहर अब सोएंगे, चौकी आंगन में डाल दिए, अब चौकी बिछ गया। और यह प्लास्टिक रखे थे तो प्लास्टिक भी काट के हम थोड़ा सा अपने लिए भी काट के मांग लिए कि हमको दे दीजिए, चूल्हा ढकेंगे, चूल्हा ढकने के लिए भी मांग लिए। और ये चौकी आज बारिश का मौसम बना कर रखा है ना, तो शायद बारिश आए तो चौकी भी ढक देंगे प्लास्टिक से, नहीं तो फिर उसका प्लाईवुड ख़राब हो जाएगा। और यहाँ देखिए तिरोदशी के दिन केला लाए थे, तो केला तो खा लिए और उसका छिलका ना पानी में डाल के रख दिए थे, क्योंकि इसका पानी बहुत अच्छा खाद का काम करता है, बहुत अच्छा, इसमें विटामिन प्रोटीन पौधों के लिए बहुत ही फायदेमंद है केला का छिलका का पानी। तो बस इसका पानी दो दिन हो गया था इस, और दो दिन इसको होने के बाद छिलका तो निकाल के फेंक दिए, और सारा पानी हम जाके दे देंगे, डाल देंगे पौधे में। और आज निमी के पापा फिर से पानी नहीं डाल पाए, क्योंकि उनको लेट हो गया, लेट रात आए थे तो लेट तक सो रहे रह गए, तो उठे हैं और जल्दी जल्दी स्नान करके वो चले गए, और हम आ गए, वो केला वाला पानी डाल दे रहे हैं फूल में, इससे बहुत फ़ायदा होता है। देखिए ये नया गेंदा का गाछ निकला था, मतलब ये बिहन जो गिरा था ना नया निकला था, और अच्छा सा फूल भी उसमें खिलने लगा, कली भी आ गया, तो हम केला का इसी तरह, केला का छिलका कभी फेंकते ही नहीं है ऐसे, उसको पानी में डाल के रख देते हैं दो दिन, उसके बाद वो पानी हम डाल देते हैं पौधों में। और यहाँ बना रहे थे नाश्ता, नाश्ता में बनाया है आज कद्दू की सब्ज़ी, मतलब लौकी की सब्ज़ी बनाया, कद्दू की नहीं लौकी की, और लौकी की सब्ज़ी बहुत सिंपल तरीके से, बस चना दाल डाल के और बेसिक मसाला डाल के उसको बना दिए हैं, कुकर में सीटी लगा दिए, और यहाँ पे उसमें हम शुद्ध घी और जीरा का तड़का लगाएंगे, इससे स्वाद बहुत अच्छा बढ़ जाता है। और बिना तेल का वो सब्ज़ी बना है, उसमें तेल नहीं डालें, बस ऐसे ही करके उसको मसाला वसाला हल्दी सब डाल के और उबाल दिए हैं, और इसमें घी का तड़का जीरा का, बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनता है इस तरह से। तो आज नाश्ते में यही चलेगा, लौकी की सब्ज़ी और रोटी, और ये सब्ज़ी देखिए कंप्लीट बन गया था, और बिना तेल का, एक बूंद भी इसमें तेल नहीं डाले, और बहुत टेस्टी। आज तो प्लेट भर के सब्ज़ी ही खाएंगे, ज़्यादा रोटी कम सब्ज़ी ज़्यादा, मेरे यहाँ सबको पसंद है ये वाला सब्ज़ी, लौकी की और चना दाल की सब्ज़ी। और यहाँ पे देखिए निमी के पापा आज ला के दिए हैं मुझे ये मटका, घैला बोले थे ना कि घैला लाइए, घैला का पानी पियेंगे, घैला का पानी बहुत अच्छा रहता है, यही पियेंगे, फ्रिज का पानी नहीं। अब बोतल की भी छुट्टी हो जाएगी, अब बोतल को डालेंगे नहीं फ्रिज में, भरेंगे ही नहीं, डालेंगे ही नहीं अब बस। और नल वाला लाए हैं इस बार, नल लगा के पहली बार नल वाला खरीदे हैं, देखते हैं कि ये कैसा निकलता है नल वाला। और इसको धो ले रहे हैं, तो कहा जाता है ना कि घैला में ना मटका में हाथ डाल के नहीं धोना चाहिए, नहीं तो फिर पानी इसका ठंडा नहीं होता है, ऐसा सुनने में आया है, तो फिर नहीं हाथ डाल के हम नहीं धोए, ऐसे ही पानी से इसको हिला के अच्छे से धो लिए। और इसको ना मतलब इस टाइप से रखने में भी डर लग रहा था कि कहीं लुढ़क ना जाए, क्योंकि इसका स्टैंड उस टाइप का नहीं है गोल, तो हमने ये टिफ़िन रखे और टिफ़िन के ऊपर रखे तो अच्छा से बैलेंस इसका बन गया, ये मतलब लुढ़कता नहीं, गिरता नहीं।
तो बस, और इसमें हम पानी भर के डाल दिए। बहुत अच्छा लग रहा था देखने में, तो बड़ा चिकना चाकना सुंदर सा है इसका, बहुत सुंदर लग रहा था देखने में, तो बस हो गया। और इसके साथ में ना ढक्कन भी ले आए थे। तो अब वीडियो भी एंड करने का टाइम हो गया था और इन लोगों को भी दूध पिलाने का टाइम हो गया। फिर मिलते हैं आप लोग से कल। टाटा बाय, सी यू।